नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेडमी न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल ढांडा और फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 के अंदर। यहां पे जो उम्मीदवार है अनीता संदलाना, वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश संदलाना, जो कि उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत बधाई और सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सर आप वार्ड नंबर 21 की जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे वार्ड 21 में मैन तो है नशे का जी, नशा मुक्त बनाएंगे इस वार्ड को, ठीक है। फिर महिलाओं के साथ शोषण जी, और महिलाओं के साथ जो शोषण है, अत्याचार है, उस पर पूर्ण रूप से हम बैन लगाएंगे। और स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पानी में, बिजली, हर जो भी समस्या है ना, मैं जिस दिन पार्षद बन जाऊँगा हर समस्या दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। विकास को लेकर बात की जाए, काफ़ी गांव के अंदर हमने देखा कि जल भराव है, तो जैसे पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? जल भराव है उसका हम पूर्ण रूप से, जैसे चौवा आया हुआ है कई गांव के अंदर, बड़ी समस्या, मेन समस्या है। ड्रेन की व्यवस्था हो या पाइपलाइन से, मोटरों से, जैसे भी पानी निकालने की ड्रेन, मेन तो ड्रेन की व्यवस्था है, वो ड्रेन की व्यवस्था करके हम बिल्कुल एरिए को हमारे को पानी मुक्त बनाएंगे। जो जल भराव है उसको मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वार्ड की जनता अगर आपको मौका देती है तो पहली कलम से आप क्या काम करेंगे? पहली कलम तो भाई साहब, पहली चोट तो है नशे की है, बहुत बड़ी बात है। नशे के मामले में इतना गर्त बजा रहा है, हम पहली चोट तो नशे पे और महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर पहली चोट मारेंगे। जो इनको सुरक्षा कवच देंगे, बिल्कुल महिलाओं को सुरक्षा कवच देंगे, नशेड़ियों को अंदर डलवाएंगे। ये युवाओं के लिए क्या अवसर रहेंगे, जो अपने युवा पढ़ाई के अंदर बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर खेलों की बात करें, कोई अचीवमेंट लेके आते हैं, अवार्ड लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? मिस्टर बोलने की आदत नहीं है मेरी, पार्षद बनने बाद युवाओं वाला तो कौन ही बना जुगाड़, लेकिन जो 2024 में छूत बैठ गया, तैयारी लंबी है, मैं मेरे इलाके का युवाओं का रोजगार का जुगाड़ पक्का करूँगा। और पार्षद में तो युवाओं का तो नहीं रोजगार का जुगाड़ बैठे, लेकिन जो मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि जो पार्षद कर पाता है ना, मेरे हिसार ज़िले में 30 पार्षद बनेंगे, जितने भी 30 पार्षद, जितने ही पार्षद बनेंगे, सब में अग्रिम पंक्ति में राजेश खड़ा मिलेगा काम करने के लिए। और मेरी धर्मपत्नी अनिता, विशेष रूप से जो महिलाओं के साथ अत्याचार हैं उसके ऊपर बैन होगा बिल्कुल। जब इलेक्शन लड़ने चलते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तब चेहरे अलग होते हैं, जब हम बन जाते हैं तो उसके बाद चेहरे बदल जाते हैं। संदलाना का क्या कहना है? 7 साल हो गए मेरे को, पिछला चुनाव चलो भाई किसी कारणों से मेरे को हार स्वीकार करनी पड़ी, ठीक, लेकिन मैं 7 साल से लोगों के बीच में रहा हूँ। आप 12 गाँव में जाके आना, एक आदमी ने कह दिया भाई संदलानिया राजेश इस मामले में पीछे है, इस मामले में गलत है, तो मैं चुनाव छोड़ दूँगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा बिल्कुल भी। एक मतलब कोई भी दाग नहीं मिलेगा आपको, अगर कोई दाग मिल जाए मैं चुनाव छोड़ दूंगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, मैं अपने वापस घर लौट जाऊँगा, इस पब्लिक से माफ़ी मांग लूँगा, मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने 7 साल के दौरान मेरे से हर संभव प्रयास, जो भी मेरे को मैसेज किसी का मिला है दुख सुख में पहुँचा हूँ भाई। मेरे पास को नहीं है पहुँच पाया, मेरा मैसेज नहीं पहुँचा, उसका तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरे को चाहे रात को 2 बजे या दिन के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया भाई मैं इस समस्या में हूँ, तो मैं उसको मेटने का काम पूरा किया है, समस्या का समाधान करने का काम किया है जी। तो आपने वार्ड 21 की जनता को किस तरह की आप वोट की अपील करना चाहेंगे? मैं बस आशीर्वाद, मैं सब कुछ है, आज इसका नाम है आशीर्वाद रोड शो। अच्छा, हाँ, तो ये पब्लिक आशीर्वाद लेने की यात्रा है, ये पब्लिक मेरे को आशीर्वाद देने आ गई। अच्छा। तो आशीर्वाद में सब कुछ है क्या जी, बचा क्या है? 22 तारीख को एक तरफी वोटिंग होगी, जीत क्लियर है, मेरी जीत नहीं है, इस पब्लिक की जीत है, 36 बिरादरी की जीत है, माताओं की जीत है, बहनों की जीत है, युवाओं की जीत है, इन सब की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। क्या खास बात है राजेश संदलाना में, जो हमने देखा कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे है, चाहे गाड़ियों की बात करें या लोगों की बात करें, काफ़ी लोग उमड़े हैं, क्या खास बात है राजेश संदलाना? नहीं उमड़े को नहीं, मैं तो बिलक रह गए। अच्छा। फोन आने लग रहे हैं, नाराज हो गए। अच्छा। 3 दिन तो वहाँ नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। अच्छा, 15-20 गाड़ी है, हाँ, वह नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। अच्छा। अकेला हूँ 12 गाँव में, मैंने पूरा संदेश दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज से, और मैं अब भी कहता हूँ आपके माध्यम से, बस जिस 36 बिरादरी में जिसके पास मेरा संदेश नहीं पहुँच पाया जी, मैं उससे माफी मांगता हूँ, इसलिए बुरा मत मानने,
एक प्रोग्राम और ऐसा ही करेंगे, पहले एक भी पहले लेके चलेंगे उसको, घर घर न्योता देंगे। अच्छा। अगला प्रोग्राम में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा इसके लिए, और अपील यही है आज जो आशीर्वाद देने आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका बहुत आभारी हूँ, तय दिल से सिर झुका के सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। 36 बिरादरी के पहुँचे हुए हैं यहाँ, युवा भी पहुँचे हुए हैं, बुजुर्ग भी पहुँचे हुए हैं, मैं उनका एहसान बंद हूँ और अगर मैं पार्षद बन गया सबका एहसान उतारने का काम भी करूँगा। क्या लगता है जीत आपकी वार्ड से आपकी पक्की है? वो तो ये बताएंगे, ये पब्लिक खड़ी। अच्छा। मैं तो जाता हूँ नहीं, राजेश जाय बिला जीत क्लियर है, तो जीत रहा है, मैं नू कर दूँ, मैं नू हाथ जोड़ता रहूँ, वोट गेड़ोगे तो ही जीतूँगा। लेकिन लगता है कि अब की बार मैं अकेला 80 में हूँ, बीच में सारे हैं, मेरे को लगा है जीत क्लियर है। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पे जो राजेश सिंगलाना का है आज आशीर्वाद रोड शो है, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गेट भी बना हुआ है, इस पर ठीक साफ साफ लिखा हुआ है आशीर्वाद रोड शो वार्ड नंबर 21 से। जिला परिषद के चुनाव प्रत्याशी है यहाँ पे अनिता सिंगलाना, वहीं उन बात की थी हमने जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं राजेश सिंगलाना से, तो उन्होंने बताया कि ये जनता का प्यार है और खासकर जो उनकी लड़ाई है यहाँ पे नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई रहेगी, मेन मुद्दा उनका यही रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं अनिल ढांडा, AKD न्यूज़, हिसार।